बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम घर में मौजूद अशिया से एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी डिश बुलबुले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक रिवायती डिश है। अक्सर शादियों के मौके पर या खुशी के मौके पर घर में बुलबुले पहले बनाए जाते थे। अब ये रिवायत जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लोग अभी जो है बाज़ार की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन आज भी बुलबुलों में उतना ही मज़ा है जो पहले आता था। तो बच्चों को ये बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी डिश है। आज ये रेसिपी आपके साथ हम बना रहे हैं, तो उसके लिए जो अज़ा की ज़रूरत होगी वो हम आपको बता देते हैं। हम तो ये हमने लिया है गुड़, और ये है गेहूँ का आटा। ये दो बॉल गेहूँ का आटा लिया है और एक बॉल जो है हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने कद्दूकश कर लिया है। खाने का सोडा है, चुटकी भर नमक है, अजवा ये जो है बड़ी सौंफ है, और इलायची पाउडर है। इतनी ही चीज़ों से ये डिश जो है बन जाएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है कि गुड़ जो है इसे हम एक बाउल में डाल के पिघला लेते हैं, इसका पानी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गुड़ जो है पिघल जाएगा, उसके बाद में हम जो है इसमें आटा मिक्स करेंगे। ये भी पानी डाल के हम इसको एक 5 मिनट तक भीगने देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं, उसका पानी बना लेते हैं और फिर आपको आटा मिला के दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये गुड़ के पानी को छान लिया है, गुड़ इसमें पूरा घुल गया है। और अब जो है हम एक बॉल लेंगे बड़ा और इसमें मिक्स करेंगे। तो ये आटा जो है ये गुड़ के पानी में हमको मिलाना है। ये आटे को हमने छान के लिया हुआ है, गेहूँ का आटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोडा और नमक भी मिला देंगे। ये बड़ी सौंफ ये भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी लगती है। और ये इलायची पाउडर है, ये हम आधा चम्मच डाल देंगे। अब इसे क्या करना है, गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है और एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम और इसे मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से ही मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरह से गुठलियाँ ना पड़े और बहुत अच्छे से इसका जो है घोल तैयार हो जाए। ये अच्छे से मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये आटा हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा भी हम फेंट रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा इतना ही गाढ़ा होना चाहिए ताकि आपके जो गुलगुले बने वो गोल बने, चपटे ना हो जाए। और अभी हम इसको अच्छे से और मिक्स करते हैं थोड़ा, और फिर इसको ढक के रख देते हैं। अभी फ़ौरन नहीं बनाना है, 10 से 15 मिनट के बाद में, या अगर आप चाहो तो 1 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में ही बना सकते हैं। इस तरह से आटा बना के आप रख दो और फिर जितना ये भीगेगा उतने ही आपके जो गुलगुले हैं वो अच्छे बनेंगे। अभी हम इसको भीगने के छोड़ देते हैं और उसके बाद में जब आपको तलते हैं तब बताते हैं। और ये हमने 1 घंटा हो गया इसको भिगा के। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तेल भी गर्म हो गया हमारा, अभी ये देखते हैं इसको तलना है हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हाथों में थोड़ा पानी लगा लिया है ताकि हाथ में आटा ज़्यादा लिपटे नहीं, और थोड़ा सा दूध फंसता रख के ही इसको गोल गोल छोड़ना है। गुलगुले जो है गोल अच्छे बनेंगे और ये फूलेंगे भी। ये अपने आप ही फूल रहे हैं। हमने आज जो है स्लो कर ली है और इसे अच्छे स्लो ही आज पे हम अच्छे से तेल तल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आज को हमने मीडियम कर दिया है और ये मीडियम आंच पे भी हम तल रहे हैं इसको। अच्छा सुनहरा रंग का होने तक तलेंगे और फिर निकालेंगे। वैसे कलर बहुत अच्छा आया है और बहुत फूले भी हैं। अभी हम निकाल लेते हैं इसको और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यही रंगत पे आपको निकालना है, और ज़्यादा नहीं करना है, जलाना नहीं है।
तेल को निथार के निकाल लेते हैं। सोडा डाला है लेकिन ज़्यादा तेल पीते नहीं है ये। इस तरह से हम सारे तल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हम सारे तल लेते हैं इस तरह से। कुलकुल ही बनाना है। हर टाइम हाथ में पानी लगा लेंगे तो आपका हाथ जो है वो ज़्यादा आटे में नहीं लिपटेगा और आप जो है अच्छे से इसको गोल बना पाओगे। आटा इतना ही गाढ़ा रखना है, अगर इसे पतला हुआ तो आपके गुलगुले जो है वो चपटे हो जाएंगे। आज को हमने फास्ट कर लिया है थोड़ा, तो स्लो मीडियम करके आप जो है इसको तल लें। सारे तल लेते हैं हम और उसके बाद दिखाते हैं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें मेरा चैनल, मेरा ये जो है रेसिपी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।